तो ये मेरी जनरल एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट की वीडियो है। पहली पार्ट में हमने 100 प्लस जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ICAR, UP KTET, NABARD या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन आपको सही लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है लिग्निन इज फाउंड मेनली इन, तो इसका ऑप्शन होगा बी मिडिल लैमेला। सेकंड क्वेश्चन है कि टिल्थ इज रिलेटेड टू, तो टिल्थ जो होता है वो तीनों जो ऊपर आपके पार्ट दिए हैं ABCD सबसे रिलेट करता है। तो थर्ड वाला होगा कि मलिका वैरायटी ऑफ मैंगो इज क्रॉस बिटवीन, तो इसका ऑप्शन होगा ए नीलम इनटू दशहरी। चौथा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ द मीन, तो इसका ऑप्शन होगा बी पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवें में है द फर्स्ट मार्मलेट सीरियल वॉज स्ट्रेटिकल विच इज क्रॉस बिटवीन, तो इसका ऑप्शन होगा बी वीट इंटू राई। इस क्वेश्चन को मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भी डिस्कस किया है तो आप जाके मेरे पोस्ट को देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कि डेड हार्ट एंड वाइट ईयर डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द क्रॉप, तो ये जो दोनों डिजीज हैं ये राइस क्रॉप से रिलेट करती है जो कि ऑप्शन डी है। सातवां क्वेश्चन है कि BP पाल इज अ फेमस वेराइटी ऑफ, तो ये वेराइटी जो है फेमस है वो होती है रेज के लिए जो कि ऑप्शन ए है। आठवें का है द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमल पॉइंट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर द प्लांट रिक्वायर्ड नॉट विल्ट इज जनरली अकर्ड एट, तो कितने बार पर अकर करता है तो वो है 15 बार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन है कि कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन, तो इसमें ऑब्वियस ये बात है कि ऑप्शन डी होगा -1 से +1। दसवां क्वेश्चन है द आर्का सीरीज ऑफ वेराइटीज रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये होगा IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बेंगलोर में है जहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग भी कभी होती है। तो 11वां क्वेश्चन है कि सेकंड क्रॉप शोन बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्रॉप इज टर्म्ड एज, तो इसका ऑप्शन होगा सी रिले क्रॉपिंग। 12वां क्वेश्चन है साइम्बायोटिक बैक्टीरिया फर्स्ट इन्फेक्ट, तो क्या है ऑप्शन ए होगा रूट हेयर्स। 13वां क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा विरिडिस इज अ टाइप ऑफ, तो एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट है ये ऑप्शन बी। 14वां क्वेश्चन है द लीडिंग अनियन प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र। 15वां क्वेश्चन है नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स इज इनहिबिटेड बाय द बैक्टीरिया, तो इसका ऑप्शन होगा सी राइजोबियम। 16वां क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वॉज प्रपोज बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी NI वेविलोव। 17वां क्वेश्चन है द हेयर ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट आर, तो इसका ऑप्शन होगा ए यूनिसेलुलर। 18वां क्वेश्चन है एजोबैक्टर इज द ए सम्बायोटिक एरियोबिक बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन, तो ये क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फिर बात करते हैं कि खैरा डिजीज, तो ये जिंक की वजह से है ऑप्शन सी है इसका। और क्वेश्चन नंबर 20 है रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक टेक प्लेस इन, तो इसका ऑप्शन होगा ए मेसोसोम्स। 21वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज टू बी स्टेब्लिश इन इंडिया, तो ये भी GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि पंतनगर में। 22वां क्वेश्चन है इन 1958 जेकोब एन वॉलमैन डिस्कवर, तो इसका ऑप्शन होगा डी इकॉली लिंकेज ग्रुप इन सेलुलर। ये क्वेश्चन आप पर 22वां ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी ध्यान नहीं है कहाँ पे लेकिन पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन है क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एक तरह का एक कम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइज है। इंटरप्राइज का मतलब आप हमको नीचे कमेंट में बताइए क्या। 24वां क्वेश्चन है जिप्सम इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमिनेशन ऑफ, इसका ऑप्शन होगा ए एल्कली सॉइल। 25वां क्वेश्चन है गुड़गांव अटेम्प्ट फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1920 बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी FL ब्रियन। 26वां है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द थर्मोफिलिक बैक्टेरिया इज, तो 70 से करीब 100 डिग्री सेल्सियस के पास ही जाता है। 27वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए नॉट ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो इसका है सी बाइनरी फिशन। 28वां है सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, तो इसमें रॉन्ग पेयर आप देख लेंगे इसमें ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें रॉन्ग पेयर होगा फर्स्ट वन। 29वां क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी नेग्लिजिबल। 30वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट, तो इसका ऑप्शन होगा सी येलो स्टेम बोरर। पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है कि टेक्सोनॉमिकल ऑर्गेनिक सॉइल्स आर, तो इसका ऑप्शन होगा ए हिस्टोसॉल्स। तो इसके बारे में मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, हिस्टोसॉल्स एरिडोसॉल्स सबके बारे में आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है कि रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल इज ड्यू टू द, तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज कॉज्ड ड्यू टू द, तो इसका है ऑप्शन बी पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज। चौथा क्वेश्चन है द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट हाइट प्लांट इज इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज, तो ये जाना जाता है मल्टी स्टोरेज फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है ट्यूबर पोटैटो ट्यूबर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा ए स्टेम। छठा क्वेश्चन है शेडिंग इन अ प्लांट पार्ट इज ड्यू टू द, तो ये ए बी ए की वजह से, ऑप्शन डी। ए बी ए क्या है इसका फुल फॉर्म आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा। सातवां क्वेश्चन है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर फॉर्मुलेटेड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी सी ए सी पी। आठवां क्वेश्चन है वर्टिकल मल्च इज यूज इन विच ऑफ द सॉइल, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि द एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए फॉस्फोरस। दसवां क्वेश्चन है द प्लांट ग्रोन इन साल्ट वाटर आज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा बी हेलोफाइटिस। ग्यारहवा नंबर है लेरमा रोजो इज अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ, तो ये वीट की एक तरीके की वैरायटी है। बारहवा क्वेश्चन है द फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड रिलीज्ड बाय ICRISAT इन इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी ICPH8। तेरहवा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव साल्ट फ्रॉम द सॉइल इज टर्म्ड एज, तो इसका ऑप्शन होगा बायो रेमेडिएशन, जो कि ऑप्शन बी है। तो चौदहवा क्वेश्चन है कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन, तो इसका ऑप्शन होगा ए। पंद्रहवा क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ इसबगोल, तो इसका ऑप्शन होगा बी प्लांटिको ओवाटा। सोलह क्वेश्चन है एमरेंथस एंड बनाना इज रिसोर्स ऑफ, तो ये आयरन का रिसोर्स है। टर्म यूज फॉर गोट मीट इज, तो इस टर्म जो यूज किया गया है वो है शिवॉन, ऑप्शन नंबर डी। केमिकल दैट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी PMA। PMA का फुल फॉर्म कमेंट बताइए आप हमको। 19th क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वे इन विच PNK आयन मूव फ्रॉम द सॉइल टू द रूट इज फील्ड क्रॉप इज, तो इसको मास फ्लो। मास फ्लो की डिफिनेशन डिफ्यूजन में आपको बताई गई थी, वीडियो में आप देख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन है एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा डी सॉरी सी होगा वेजिटेटिव पार्थेनोकैर्पी। 21वां क्वेश्चन है बंच टेरेसिंग इज जनरली डन व्हेन द स्लोप इज ऑफ द फील्ड इज मोर देन, तो फील्ड ऑप्शन इसका बी होगा 15%। 22वां क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ एम्ब्रॉयनी अक्रिंग इन मैंगो इज, तो उसका ऑप्शन होगा डी एडवेंटिशियस। 23वां क्वेश्चन है पल्सेस लैक, तो इसमें हम लोग मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों लैक होता है, तो ये दोनों क्या चीज़ हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। 24वां क्वेश्चन है द प्रेजेंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया इज, तो इसका करीब 220 ग्राम प्रतिदिन है। 25वां क्वेश्चन है द क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेरेंट व्हेन बोथ पेरेंट आर रिजर्व इज नोन एज, तो कॉन्वर्जेंट क्रॉस किसको कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है द डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस इज ऑल्सो रिफर्स टू एज, तो इसका ऑप्शन होगा बी डुप्लीकेट जीन एक्शन। 27वां क्वेश्चन है रेवोल्यूशन दैट डेल्थ विथ सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड एंड एडेबल ऑयल वॉज, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 28वां क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सॉइल कंटेन कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन। 29th क्वेश्चन है इन द ईयर 1943 बंगाल फैमिन वॉज ड्यू टू द, तो ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। 30वां क्वेश्चन है गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन ऑफ एनी डिजायरेबल कैरेक्टर इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए जीन पिरामिडिंग। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि विटामिन B9 इज केमिकली नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए फॉलिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट देन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इज, तो इसका इक्वल टू 1 होगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा डी जिंक। चौथा क्वेश्चन है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वॉज गिवन बाय, तो इसका ऑप्शन होगा सी आर्नान एंड स्टाउट। पांचवा क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट चेंज नाइट्रेट इन टू द नाइट्रेट ड्यू टू द नाइट्रिफिकेशन, तो इसका ऑप्शन होगा सी नाइट्रोबैक्टर। छठा क्वेश्चन है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू द, तो इसका ऑप्शन होगा डी पोअरली ड्रेन्ड सॉइल। सातवां नंबर है CAN फर्टिलाइजर कैन फर्टिलाइजर इज नोन एज, तो इसको लोग हम लोग किसान खाद भी कहते हैं ज़्यादातर, पर यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन इसमें कई सारे दिए गए हैं तो इसको हम लोग ऑल ऑफ द एबो कहेंगे, ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है द मोस्ट सूटेबल क्रॉप
फॉर लेट ऑनसेट ऑफ मानसून टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए सनफ्लावर। नौवां क्वेश्चन है फ्रूट आर जनरली, तो ये एसिडिक होते हैं। दसवां क्वेश्चन है IVLP स्टैंड फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा डी इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ग्यारहवां क्वेश्चन है इन सीरियल ग्रेन स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा सी जिसमें से हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों होगा। बारहवां क्वेश्चन में हम लोग को रॉन्ग पेयर सेलेक्ट करना है, तो इसमें तीन और चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही ऑप्शन होगा ए। तेरहवां क्वेश्चन है देयर आर 64 कोडोन्स एंड द जेनेटिक कोड लेंथ ऑफ कोडोन इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी 3 बेसेस। जो चौदह क्वेश्चन है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया इज, तो 142 मिलियन हेक्टर्स में बताया गया है जो कि पॉइंट में ज़्यादातर आता है। पंद्रह क्वेश्चन है पूसा मेजेस्टी इज द गाइनोडेशियस वैरायटी ऑफ, तो ये गाइनोडेशियस वैरायटी किसकी है, पपाया की। सोलहवा क्वेश्चन है टोटल एसेट या फिर टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा NCR मतलब कि नेट कैपिटल रेशियो। सत्रहवा क्वेश्चन है कि क्या एक्ट करता है स्टार्ट कोडन इन प्रोक्रायोटिक्स, तो इसमें ऑप्शन होगा ए। 18वां क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल रबर इज, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, साइंटिफिक नेम है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सी रबर है, इसका कमेंट बॉक्स में उनको बताइए सर्च करके आप। 19वां क्वेश्चन है द फेज ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज नोन एज, तो इसको हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। 20वां क्वेश्चन है द पाइनएप्पल इज द, तो ये पाइनएप्पल एक तरह का कंपोजिट फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट क्या होता है इसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट में बताइए, अगर ना पता हो तो मुझसे क्वेश्चन पे पूछिएगा। 21वां क्वेश्चन है कि इन ऑक्जेलिक द फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग द इवनिंग बिकॉज ऑफ, तो ये ऑप्शन बी है फोटोनेस्टी। 22वां क्वेश्चन है द कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन बाय ICR इन 1973 फॉर वर्किंग आउट ए प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ KVK स्कीम वॉज, तो इसका ऑप्शन होगा सी मोहन सिंह मेहता कमेटी MCMC। 23वां क्वेश्चन है कैस्टर ऑयल इज ए नॉन एडिबल ऑयल एज इट कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं राइसिन, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन, हम लोग क्या कहेंगे इस कोरिलेशन को, तो ये एक तरह का पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन। 25वां क्वेश्चन है पेगिंग इन द टर्म रिलेटेड टू द क्रॉप, तो ये ग्राउंड नट से रिलेट करता है। 26वां क्वेश्चन है कि रीफाइनेंसिंग टू द एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज द मेन फंक्शन ऑफ, तो ये नाबार्ड बैंक का फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हैच एंड स्लैक पाथवे इज फाउंड इन, तो ये मेज में फाउंड होता है। 28वां क्वेश्चन है राइज प्रोटीन आर सिंथेसाइजिंग, तो ऑप्शन होगा ए राइबोसोम्स। 29वां क्वेश्चन है इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है इसका, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल ये देगा ग्राम पॉजिटिव, समझ रहे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, एक तरह का हम लोग को फॉर्मेशन होगा ऑप्शन नंबर बी पोजिशन ऑफ फूड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लोग जल्दी बोलते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि इंडियन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1999 से 2000, तो ये 208 मेट्रिक टन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फूड ऑफ गॉड, तो ये कोकोआ को हम लोग कहते हैं फूड ऑफ गॉड। थ्योरी ऑफ रेंट वॉज प्रपोज बाय, तो रिकार्डो के द्वारा प्रपोज की गई थी। द पॉप मेथड फॉर राइजिंग सीडलिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो फिलीपींस इंट्रोड्यूस की गई थी। पूसा बेदाना इज द ट्राइप्लॉइड कल्टीवर ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा सी वाटरमेलन। 5वां क्वेश्चन है सेफ्रॉन केसर बिलोंग टू द फैमिली, तो ये इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन 6वां क्वेश्चन है येलोइंग ऑफ टी डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसका ऑप्शन बी होगा सल्फर। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग ऑफ सॉइल, तो इसका ऑप्शन होगा ए बैक्टीरिया। 8वां क्वेश्चन है द ग्रोइंग ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज टर्म्ड एज, तो ये फोटोट्रॉपिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट, तो ये 21%, ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय, तो ये प्रपोज की गई थी सिटोन एंड बोफरी के द्वारा।
11 नंबर क्वेश्चन है, वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर इन, तो ये कैम प्लांट। 12वां क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, तो ये पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। 13वां क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन अकर इन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोप्लास्ट। 14वां क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ऑफ इंडियन सॉइल इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एल्यूवियल सॉइल। 15वां क्वेश्चन है द कोर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिलिन, तो इसका ऑप्शन होगा ए, मैग्नीशियम। 16वां क्वेश्चन है कि कितने परसेंट ऑफ ब्यूरेट कंटेंट होता है यूरिया में, जो कि क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं है, तो 1.5%। विच पोर्शन ऑफ शुगर केन इज बेस्ट सुटेटेड फॉर द प्रोपोगेशन, तो इसका ऑप्शन होगा बी, टॉप 1/3 ऑफ 1/2 पार्ट। कार्डेमोम इज अ पेरिनियल हर्ब बिलोंगिंग टू द फैमिली, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ज़िंगीबेरेसी। 19वां क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पर्ल मिलेट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। 20वां क्वेश्चन है रिसर्च ऑन वीट एंड मेज इज कैरीड आउट एट, तो इसका ऑप्शन होगा बी, CIMMYT, जो इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट का सेंटर है। 21वां क्वेश्चन है ट्रेड हैज़ बीन लिबरलाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 22वां क्वेश्चन है क्रोमोजोम नंबर ऑफ कल्टिवेटेड राइस इज, तो 2n=24, ऑप्शन डी। रिजक्टोनिया सोलैनी इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये शीत ब्लाइट ऑफ राइस की वजह रिस्पॉन्सिबल होता है। 24वां क्वेश्चन है कि एनर्जी कंटेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 25वां क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द जीन प्रेजेंट इन ओपिरॉन मॉड्यूल इज, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 26वां क्वेश्चन है डाइचा इज अ टाइप ऑफ, तो एक तरह का एक ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है। 27वां क्वेश्चन है शुगर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन इज, तो इसका ऑप्शन सी होगा, फ्रक्टोज। 28वां क्वेश्चन है मल्च क्रॉप इज यूज्ड फॉर द, तो इसका ऑप्शन होगा बी, सॉइल कंजर्वेशन। 29th क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल एंड देयर अरेंजमेंट इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सॉइल स्ट्रक्चर। 30वां क्वेश्चन है द आइडियल टेम्परेचर फॉर राइस क्रॉप शुड बी, तो ये करीब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन है कि ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेट्स GADA टेस्ट इज यूज फॉर द नोइंग ऑफ, तो ये वायबिलिटी ऑफ सीड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 2वां क्वेश्चन है द ग्रो आउट टेस्ट इज डन टू नो द, तो जेनेटिक प्योरिटी की वजह से टेस्ट करने के लिए हम ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। 3रा क्वेश्चन है कि द आइडियल ऑफ पर्टिकुलेट नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय, तो ये मेंडेलिव द्वारा प्रपोज किया गया, तो ऑप्शन बी। 4वां क्वेश्चन है डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च इन लोकेटेड एट, तो इसका ऑप्शन होगा डी, हैदराबाद। 5वां क्वेश्चन है बोथ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट आर द प्री रिक्विजिट फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा ए, फोटोसिंथेसिस। 6वां क्वेश्चन है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सॉइल फर्टिलिटी। 7वां क्वेश्चन है द मेजर क्राइटेरिया ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, तो इसका ऑप्शन होगा बी। 8वां क्वेश्चन है रेन एट हार्वेस्ट इंड्यूस्ड इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जर्मिनेशन। 9वां क्वेश्चन है एज पर एज 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टूड एट, तो इसका ऑप्शन होगा बी। 10वां क्वेश्चन है इन डिप्लॉयड स्पीशीज द प्लॉयडी लेवल ऑफ पोलन एट माइओसिस, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 11वां नंबर है व्हेन क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू डिप्लॉयड सीरीज या स्पीशीज इन कंबाइंड इन वन देन द रिजल्टेंट स्पीशीज वुड बी, तो इसका ऑप्शन होगा ए, एम्फीडी प्लॉइड्स। 12वां क्वेश्चन है जीन हैज टू अल्टरनेट फॉर्म इन विच लोकल जीन हैज टू अल्टरनेट फॉर्म इन ईच लोकस इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए, एलील। 13वां क्वेश्चन है कि क्विंकनक सिस्टम एकोमोडेट्स हाउ मच टाइम मोर प्लांट देन द स्क्वायर सिस्टम, तो इसका ऑप्शन होगा बी। 14वां क्वेश्चन है कि NARS स्टैंड फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 15वां क्वेश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट द लिक्विड नाइट्रोजन एट, तो उसका टेम्परेचर होगा -196°C। 16वां क्वेश्चन है आइडियल रेशियो ऑफ NPK इन पल्सेस इज, तो आइडियल रेशियो है N1:2:1। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेग्यूम क्रॉप, तो उसका ऑप्शन होगा ए, वीट क्रॉप। 18वां क्वेश्चन है कि टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी, 147 मिलियन हेक्टर। 19वां क्वेश्चन है कि काजरी इज लोकेटेड एट, तो ये जोधपुर में राजस्थान में लोकेटेड है। काजरी क्या है, इसका फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
20वां क्वेश्चन है, वनालक्ष्मी इज द फर्स्ट इंटर स्पीशीज हाइब्रिड ऑफ थ्री कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी है। 21वां क्वेश्चन है, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर वाज डन बाय, तो उसका ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है, कल्टीवेटेड राइस स्पीशीज इन एशियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसका होगा OS, राइजर सटीवा। 23वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन DNAR, तो इसका सी ऑप्शन होगा 4। 24वां क्वेश्चन है, शुगर इन टेम्परेट कंट्रीज इज ऑब्टेन फ्रॉम द, तो उसका ऑप्शन होगा ए, शुगर बीट। 25वां क्वेश्चन है, करनाल बंट इज द सीरियस डिजीज ऑफ वीट, किस वजह से कॉज होती है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, फंगस। 26वां क्वेश्चन है, जिंक इन द कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑक्सिन्स। 27वां क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइओसिस लीड टू द, तो ये ऑप्शन होगा ए, ब्रेकिंग लिंकेज। 28वां क्वेश्चन है, हाई डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ऑब्जर्व इन, तो ये मेज में ऑब्जर्व होता है। और 29वां क्वेश्चन है, द सेवर डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट किस वजह से कॉज होता है, तो क्लोरोसिस की वजह से। और 30वां क्वेश्चन है, द मेजर सब स्पीशीज ऑफ ओरिजिन सेटिवा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इंडिका एंड जापोनिका। तो बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट वाइडली डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल, तो ये ऑप्शन ए होगा जिंक। नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया इज, तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में। इन विच स्टेट राइस इज
ग्रोन बिलो सी लेवल, तो इसका ऑप्शन होगा डी केरला। ऑर्गेनिक सॉइल कंटेंट, तो इसका ऑप्शन होगा ए। पांचवा क्वेश्चन है टाइम इंटरवल बिटवीन इरिगेशन इज रिफर्ड एज, तो इसका ऑप्शन होगा सी। छठवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ ए प्लांट वायरसेस, तो इसका ऑप्शन होगा बी एफिड। सातवा क्वेश्चन है और इसका चियाज़माटा बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फेस वन ऑफ माइओसिस, तो इसका ऑप्शन होगा बी डिप्लोटीन। आठवां क्वेश्चन है पेक्टिन इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नवा क्वेश्चन है कि इज डन टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, क्या डन किया जाता है, तो मेरिस्टम कल्चर जो होता है उसको किया जाता है वायरस फ्री प्लांट के लिए। दसवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज ड्रॉट टॉलरेंट, तो इसका ऑप्शन होगा बी ए बी ए। ग्यारहवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर वायबिलिटी, तो इसका ऑप्शन होगा रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। बारहवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजन इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑयल केक। तेरहवा क्वेश्चन है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका ऑप्शन होगा ए। चौदहवा क्वेश्चन है रेडियो टीवी आर एग्जाम्पल ऑफ, तो एक तरह का ये मास कम्युनिकेशन होता है। पंद्रह क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द DNA इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन होगा बी ट्रांसलेशन। सोलहवा क्वेश्चन है कैन प्लांट हैव द एबिलिटी टू द, तो इसका ऑप्शन बी होगा। सत्रहवा क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लोकेटेड एंड कॉपीड आउट ऑफ DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए जीन क्लोनिंग। अठारह क्वेश्चन है कैल्शियम डिफिशियंसी सिम्टम फर्स्ट अकर इन, तो सबसे पहले ये टर्मिनल बड्स पे अकर करती है, दिखती भी है। 23 दिसंबर एक तरह का नेशनल फार्मर डे है। 20वां क्वेश्चन है द सेट ऑफ द सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी टर्म्ड एज, तो ये कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर के तहत आता है। 21वां क्वेश्चन है पडल्ड सॉइल्स और पोच्ड सॉइल इज द सॉइल इन विच द स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें तीनों ऑप्शन की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी ऑल ऑफ द ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। 22वां क्वेश्चन है कि माइक्रोनेयर इज अ कॉटन इज यूज्ड टू मेजर, तो क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, फाइबर फिटनेस या फिर फाइबर फाइनेस, तो फाइबर की फाइन होता है उसको देखा जाता है कि ये बढ़िया से है कि नहीं। और 23वां क्वेश्चन है कि द टर्म ग्रीन गोल्ड जनरली रिफर्स टू द अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही ऑप्शन होगा बी बैम्बू। 24वां क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज द नाइट्रोसोमनास, द पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इन द अनओपेंड फ्लावर इज टर्म्ड एज, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लाइस्टोगेमी। 26वां क्वेश्चन है नेट बेनिफिट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 27वां है ग्लाइफोसेट इज यूज्ड एज ए, तो एक तरह का हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। 28वां क्वेश्चन है इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ माइओसिस द क्रोमोसोम पेयर लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर अमंग द सेंटर इक्वेटर ऑफ द सेल, तो इसका होगा बी मेटाफेस वन। 29th क्वेश्चन है राइस ग्रेन इज डिफिशियंसी इन, तो इसका लाइसिन की वजह से डिफिशियंसी होती है। 30वां क्वेश्चन है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन द प्लांट आर लोकेटेड इन द, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर लोकेटेड होता है। पहला क्वेश्चन है कि द व्हाट द सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका ऑप्शन होगा बी 5 दिसंबर। सेकंड क्वेश्चन है द क्रॉच एंगल इज रिलेटेड टू, तो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड करते हैं जो कि हॉर्टिकल्चर में आता है। तीसरा क्वेश्चन है द टिश्यू इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए। चौथा क्वेश्चन है कि एकोडोरमेंसी इज द डोरमेंसी इम्पोज्ड बाय टिश्यू एंड ऑर्गन्स विच अकर मेनली ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, डोरमेंसी एक ऐसे स्टेज होती है जिसमें आपका सीड जो होता है वो इनएक्टिव फेज में आ जाता है और वो रुक रुक के आपका क्या कहते हैं जर्मिनेशन होता हो तो उसका होता है ईयर आफ्टर ईयर में। पांचवा क्वेश्चन है एक्टिविटी ऑफ एथाइलिन इन द फ्रूट रैपनिंग इज द मेंटेन बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी कॉपर। छठवां क्वेश्चन है कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू प्लांट बट सीड्स और सीडलिंग फॉर प्रोमोटिंग अर्ली फ्लावरिंग इज नोन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्नलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी
सातवां क्वेश्चन है कि ब्लैक हार्ट इंजरी इज ड्यू टू द, तो इसका ऑप्शन होगा ए लो टेम्परेचर। आठवां क्वेश्चन है कि रिकैल्सिट्रेंट सीड्स आर, तो ये द सीड्स होते हैं जिसपे स्ट्रॉन्ग इनकी जो लाइफ स्टोरेज लाइफ होती है वो बहुत कम होती है देखा जाए तो। और नौवां क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज ब्रेड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम इज, तो ये एक तरह का हेक्साप्लॉइड है ऑप्शन नंबर सी। दसवां क्वेश्चन है द एक्चुअल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ प्लांट सेल इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी राइबोसोम्स। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि इंडिया पहला ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट टोमेटो F1 हाइब्रिडिस, तो ये ऑप्शन ए होगा आर का रक्षक। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 500 प्लस जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन की लिस्ट। इन क्वेश्चन की लिस्ट को आप देखिएगा और इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़िएगा और आपको इस क्वेश्चन से बहुत मदद मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, एग्रीकल्चर चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।